हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई नई ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इस ड्राइंग को। तो ये ड्राइंग मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी होगी और सेम प्रॉब्लम आपको भी होती है। जो भी हम कोई नई ड्राइंग बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन वगैरह रहती है। तो इस ड्राइंग को हम स्टार्ट करेंगे नीचे के बेस से या टॉप से, कहीं से भी पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे स्पीच स्टडी कर लेते हैं। तो एक आइसोमेट्रिक व्यू है, और तो नीचे 26। तो इस तरह की कभी ड्राइंग हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी जो ये डाई दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, यानी जो इसका बेस होगा उसकी जो लेंथ हम लिखेंगे, हम 2D में बना रहे हैं तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 30 की। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो इसे 30 का बनाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि हम इसकी पूरी यूनिट्स दिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट कर लेते हैं सेट अपनी, तो मिलीमीटर। ओके, लिमिट ले जाता है लगभग 100 कॉमा 100। जेड ऑल, तो एक लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ऑर्थो मोड ऑन, 30 की लाइन बनेगी। जो हमने ऊपर देखा उसको 30 का है, और इसकी हाइट जो जा रही है वो 3 यूनिट जा रही है। अगर हम इसको इधर फिर से ले आते हैं तो 30, और ये वही साथ में इसको सेंटर लाइन पे बना लेते हैं। मिड पॉइंट जो इसकी हाइट है मिड पॉइंट की वो है 60। थोड़ा सा हम ईजी करने के लिए इसे थोड़ा सा एंड कर लेते हैं यहाँ कहीं इस डायरेक्शन। तो हम नीचे से फिर से कुछ बना लेते हैं नीचे को, तो इसको ऑफसेट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लाइन भी स्ट्रेट चाहिए, ये स्ट्रेट चाहिए, ये भी है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। पहले कोई भी एक लाइन को स्ट्रेट बना लेते हैं ऑफसेट। तो जो यूनिट हमें डालनी है वो है पहले 3 3, तो हम जा चुके हैं सेकेंड 2 यूनिट, तो इससे बनाएंगे 2 यूनिट ऊपर। इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में हो आसानी। दो हिस्सों में 2 लाइनों के हिसाब से बना लेते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइन है वो है 26 की जाने वाली है, 26 यानी 13, ये 13 की होगी। और यहाँ पे इसको ज्वाइंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर कर लेते हैं मिरर। इस तरह की पार्ट फास्ट ग्रोइंग के लिए हम लोग ये सब करते रहते हैं। फिर से ऑफसेट, तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 8.8.97, तो हम इसको कर लेते हैं 8.97 ऊपर। तो 8.97 के बाद 1 का यूनिट का एक और ऊपर जाएगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूनिट 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूनिट 2। तो हम ये फिलहाल कर दिया था फटाफट के काम के लिए। अब हम एक लाइन बना लेते हैं इस साइड पे। इसकी जो डिस्टेंस जो इसने दी है वो दी है यहाँ पे 20 की, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे रहा है 20, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर इन दोनों के बीच में बनाएंगे हम एक सर्कल, और फिर उसके ऊपर एक स्ट्रेट लिए जा जाता है 1 यूनिट के, 1 यूनिट के ऊपर जाता है, ये हो जाता है क्लोज। इसको कर देते हैं डिलीट। फिर जो लाइन है एक और 2 यूनिट ऊपर, उसके जो डिस्टेंस जो उसने दी है हमें वो दी है यहाँ पे, ये दी है उसने 16, यानी हो जाती है 8। अब हम इसको इसको ज्वाइन करके हम इस सबको मिरर कर देंगे, तो हम इजीली हम इसे बना लेंगे। पहले हम कर लेते हैं सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल से बनाएंगे इस एंड पॉइंट को। इस एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो इस पे जो उसने रेडियस दी है वो दी है 6 की, बट ये आउटर जा रहा है, यानी अबे ऐसा कैसे हो सकता है। सर्कल कैन नॉट एग्जिस्ट,
तो सर्कल से नहीं बन रहा है, तो अब इसे हम बनाएंगे आर्क, क्योंकि यहाँ पे सर्कल साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पे जो डिस्टेंस है वो है 8 का और हम बना रहे सर्कल 6 का। तो देखते हैं अब हम करेंगे आर्क से, हमारे पास स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड रेडियस है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और रेडियस है 6, तो ये बन गया है। इसे सेम मेथड से ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट रेडियस 2, तो सबको हम कर देंगे मिरर। तो ये बन चुका है हमारा, यहाँ तक यहाँ से लाइन रह गई, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं मिरर। अब बात आती है इसके ऊपर की, ऊपर भी हमें बनाना है, उसको यूज करने के लिए अंदर का है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 का जो यूनिट का दिखा रहा है, यानी हो गया 5 का। तो हम लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट एक और यूनिट कर देते हैं 5, तो ये लाइन इधर 5 यूनिट इधर, और फिर से एक और ऑफसेट करके जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 24.06, यानी ये वाला डिस्टेंस इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस दे रहे हैं हम लोग, ताकि हम यहाँ पे इस लाइन का एंड ड्रॉ कर सकें। तो ये यहाँ पे एंड होता है, इसकी हम यहाँ पे आ गए हैं, तो इस लाइन के बीच में भी फिर से आर्क बना रहते हैं, उसकी यूनिट दे रही है 50। हमारा ये बन गया है डायरेक्टली, अब इसको हम कर लेते हैं मिरर। फिर इसके ऊपर एक और ऑफसेट है जिसपे ये कहता है इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इसने दे नहीं रखा है, लेकिन हम ले लेते हैं 2 यूनिट, यूनिट हम नहीं ले पा रहे हैं, बट हमें ऊपर एक रेडियस सर्कल दिख रहा है जिसकी यूनिट है 8, 18। अब एक काम कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं टॉप से, इधर से उस लाइन पर इसको कर लेते हैं ऑफसेट डायरेक्ट, तो ये ऑफसेट होगा 9 यूनिट पे। इसको मैं बताता हूँ ऑफसेट क्यों कर रहा हूँ, यानी हमें इसका सर्कल मिल का सेंटर पॉइंट मिल गया है, अब हम बना सकते हैं इसका टॉप। और ये कहता है इसकी यूनिट है 12, ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे हमारा लिखना पड़ेगा जहाँ पे इसकी यूनिट हो जाए 12, तो लाइन बना लेते हैं, ये जाएगी 6 यूनिट यहाँ, एक काम कर सकते हैं वो, हम अंदाजे से ले लेते थे, चलो ऑफसेट ये से 2 का मान लेते हैं, इस तरह से करते रहेंगे तो बहुत हिट एंड ट्रायल बहुत करने पड़ेंगे हमें। और इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, अगर ये 2 का हुआ तो ये अपने आप ये नहीं, टू का नहीं है यहाँ पे, तो ये रहा 13 का डिस्टेंस दे रहा है यहाँ पे, तो ऑफसेट थर्टीन नहीं, ये है 3.26 ऑफसेट 3.26, तो अब यहाँ से हम लाइन बनाएंगे 6 यूनिट की, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये से टच करेगी,
बाद में करेंगे, इसके मिरर करने से पहले। तो पहली बार आया तो इसके मुझे विजिबल नहीं हुआ, कई बार हमें हो जाता है इस तरह का भी। एंड द यूनिट इज टू, तो अब हम फिर मिरर कर लेते हैं इसे। तो फाइनली ये हमारी ड्राइंग बन गई है, जो वहाँ पे मेंशन था वो सब कुछ हमने यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरह की बहुत सी ड्राइंग्स आती हैं जो टिपिकल हो जाती हैं हमारे भी, और जो हम फर्स्ट टाइम से बना रहे होते हैं इसमें ये सब पता नहीं चल पाता। जैसे कि इसका हम पहले प्लान कर रहे थे कि ये सर्कल 2.0 सर्कल से बनेगा, बट बनाने के बाद जब ये नहीं बन रहा था तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमें इसको आर्ट से बनाना था, क्योंकि हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि सर्कल से, फ्लिट से, या फिर किसी और मेथड से बनेगा। तो ये वन जो नेक्स्ट आइडिया आया था मेरे दिमाग में आर्ट आया था, तो मैंने अच्छे आर्ट से ट्राई किया तो उससे हो गए। तो कोशिश करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सब आइडिया आने लग जाते हैं कि किससे बनेगा, क्या चीज़ बनेगी। तो कोशिश करते रहिए, आगे कंटिन्यू करेंगे फिर एक नई और वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।